अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसका नाम मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो हमारे साथ अभी आ रही है, काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस आ रही है, तो आप दिखाते हैं। और अगर आप लोग चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आवाज़ का कुछ मसला है तो इग्नोर कर देना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तब ये भी बोलना शुरू कर देते हैं, और जब मैं चुप करता हूँ तो ये भी चुप कर देते हैं। तो चलें जी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करते हैं। सबसे पहले जी एक ये केज है, ये मैंने आपको जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मैंने नया पेड़ लगाया, एक ही फीमेल लेड होगी और एक का मेल। और इसके अंदर मैं अब आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस चेक करता हूँ कि क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस है जी। तो ये पेड़ है जी मट्टी के अंदर है, पहले मट्टी से टॉल ये करें और तो मेल आ गया, पर देख सकते हैं आप अंदर तीन बच्चे हैं और एक अंडा अनफर्टाइज होते हुए इसमें चार अंडे दिए थे, तीन बच्चे निकले हैं और एक इसका अनफर्टाइज हो चुका है। ये भी इसकी प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये तो काफ़ी देर के बाद इसने अंडे दिए हैं। अभी आपको इसकी प्रॉब्लम चेक करवाई थी, तीन बच्चे और एक अंडा अनफर्टाइज हो चुका है, और अभी गिनते जाइएगा तीन अंडे। और इसमें माशाल्लाह सबसे अच्छा बड़ा पेड़ है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा होगा। इसमें नौ अंडे दिए थे जिसमें दो अनफर्टाइल हो चुकी हैं और सात बच्चे इसमें निकाले थे, सात में से पांच बच्चे ये बुक पाल रही है, दो की मैंने पोस्टिंग कर दी थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कितने इसकी पोस्टिंग की है, क्योंकि पाँच बच्चे फीमेल आसानी से पाल ले रखी है और इससे ज़्यादा फिर बच्चे की सेहत डाउन हो जाती है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको पाँच ही अंडे बच्चे दिए थे, बाकी दो मैंने उठा दिए। अब इसकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ मैं आपको, और इसका आपको मट्टी के अंदर बच्चे भी नज़र आ रहे होंगे, तो इसलिए मैं मट्टी उतार के तो आपको दिखाता हूँ। अरे जी मैंने इसकी मट्टी उतार दी है, और इसकी मट्टी ये है, ये इसकी मट्टी है, बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे, मैं ऊपर से दिखा देता हूँ आपको। कौन से थे, एक दो पाँच बच्चे हैं इसके, और दो अंडे पड़े हुए हैं जो ये दो ये अनफर्टाइल है, बाकी बच्चों की आप हेल्थ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हेल्थ है जी उनकी। ये जी इस वाले पेड़ की प्रोग्रेस, पाँच बच्चे इसने निकाले हुए हैं और दो इसके मैंने उठा के किसी और मट्टी के अंदर रख दिए, पाँच इसके और तीन इस पेड़ के, आठ बच्चे हो चुके हैं अभी तक। अच्छा तो मैं अब आप लोगों को कितने के कलोनी की प्रोग्रेस का करवा देता हूँ, इसमें कितने पेड़ लग गए हैं और क्या इसके अंदर अंडे कितने और कितने लग गए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ और चलते हैं कलोनी के अंदर। सबसे पहली मट्टी जो ये वाली है इसकी, और इस मट्टी की फीमेल की आपस में लड़ाई हुई थी, लड़ाई के बाद एक बच्चा जख्मी हो चुका था, उसका पर वो जो आपको ये येलो फीमेल नज़र आ रही है, इसने वो जो नीचे फीमेल है वो इसकी थी, तो येलो फीमेल ने ब्लू फीमेल के बच्चे का एक पर खराब कर दिया था, मतलब उसने इतनी ज़ोर से इसको काटा कि उसका पर ही टूट गया, बच्चा अभी छोटा था, वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिर उस फीमेल ने इस फीमेल के बच्चे को भी मारा था, लेकिन वो बच गया, उसकी आँख निकल जानी थी वो बच गया। अभी आपको इसकी फर्स्ट मट्टी से दिखाना स्टार्ट करते हैं। ये माशाल्लाह जी चार बच्चे हैं इसके अंदर और दो अंडे खराब हो चुके हैं, मैं आपको वो बच्चा भी निकाल के दिखाता हूँ। ये बच्चा इसका आप देख सकते हैं, एक साइड पे पर है एक साइड पे नहीं है, ये पर ये इसका आप यहाँ से देख सकते हैं, ये टूट गया होगा। इस फीमेल की लड़ाई हो गई थी, तो इसने इसके बच्चे का काम तमाम कर दिया, बाकी आप लोग देख सकते हैं तीन अंदर हैं और ये जो था ये चार बच्चे हैं इसके, इसकी भी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, इसी दो अंडे से खराब किए थे, बाकी इसके चार बच्चे निकल आए थे। तो अब आपको नेक्स्ट की दिखाते हैं जी, नेक्स्ट जी ये है फीमेल अंदर है और एक बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया, एक दो दिन में मेरे ख्याल में ये भी भाई आ जाएगा,
और एक बचा इसका नीचे है, वो जो आपको मैंने कहा था कि उसका आँख काफ़ी डैमेज हुई थी लेकिन वो बच गया, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। अभी इसका नीचे आप देख सकते हैं, ये साथ इसके आपको दिखाते हैं प्रोग्रेस। ये मछली है, फीमेल ने अंडे दिए हैं, ये जो मसाला फीमेल ने अंडे दिए हैं, चार से पांच आई थिंक अंडे इसके नीचे हैं, चार पांच अंडे इसके नीचे हैं। अभी आपको नेक्स्ट दिखाते हैं ये मछली। ये जो मटकी है इसके अंदर मैंने फॉस्टिंग की थी, जो आपको ऊपर मैंने बताया दो पेयर दो चिक्स मैंने निकाल के किसी और के नीचे डाले थे, वो ये थी, ये फीमेल है और इसके नीचे मैंने बच्चे डाले थे। इसके अपने भी दो बच्चे थे और दो मैंने इसके नीचे और डाल दिए थे, तो एक मेरा ख्याल है इसका और बच्चा निकला, अंडे पड़े हुए थे, एक मैंने इसकी मटकी निकाल के तो उसकी देखता हूँ यहाँ पर। ये इसकी मछली है, तो माशाल्लाह से भी पांच बच्चे इसके हो गए हैं, एक बच्चा मेरा ख्याल है कल निकला है शाम के टाइम, तो पांच बच्चे इसके भी हो गए हैं, दो मैंने इसके नीचे डाले थे और तीन इसके अपने निकले हैं, तो तकरीबन पांच छः हो चुके हैं। माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है। मेरे पास जितने भी ये ग्रीन कलर में वाइल्ड बजरी हैं, ये काफ़ी अच्छी ब्रीड करती हैं, ये काफ़ी ज़बरदस्त ब्रीड होती है। तो अब जी हम नेक्स्ट चलते हैं ये वाली मछली की तरफ। ये जो मछली है इसके दो बच्चे ये नीचे आए हुए हैं येलो कलर में, और इनकी फीमेल भी तकरीबन इसी कलर के अंदर ही है येलो कलर में, ये स्प्लिट है रेड आई के, तो ये जब आगे ब्रीड करेंगे तो ये रेड आई बच्चे निकलेंगे। तो मैं अभी आपको इनका फेयर भी दिखा देता हूँ, आई थिंक इसने दोबारा अंडे दे दिए होंगे। ये जो इसकी फीमेल है, मैं इसकी मटकी आपको उतार के दिखा देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, एक अंडा तो नज़र आ रहा है, दो माशाल्लाह से भी दो अंडे इसमें दोबारा दे दिए, ये इसके दो बच्चे हैं, कलर आप देख सकते हैं सेम इसी की तरह है, ये देखें जी माशाल्लाह दो बच्चे हैं, ये लुटीनों के रहते हैं, ये देखिए माशाल्लाह ये बच्चा, और ये जो आपको वाइट नज़र आ रहा है मैंने आपको बताया था वो जो फाइट हुई थी उसके अंदर से ये बच्चा निकला था, ये बच गया, इसके आँख के ऊपर आपको निशान नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, तो यहाँ पे इसको मार पड़ी थी दूसरी साइड पे इसके, इसको जहम हुआ हुआ। तो अभी ये वाली मछली चेक करवाते हैं आपको, जिस तरह मेल जा रहा है जी, फीमेल बैठी हुई है और माशाल्लाह से जी दो बच्चे निकल आए हुए हैं, इसने छः अंडे दिए थे, चार अंडे इसके भी पड़े होंगे, दो बच्चे निकल आए हैं इसके माशाल्लाह। तो अब आप लोग खुद इस हिसाब से गा लें कितनी अच्छी ब्रीड जा रही है। और एक और पेड़ है इसके अंदर, वो ये मटकी तो अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा लेकिन उनका पेड़ बिल्कुल लग चुका है, ये मेल आपको नीचे नज़र आ रहा होगा उसका, वो ब्लू कलर के अंदर ये इसका मेल है, काफ़ी ज़बरदस्त। अब भी मैं आप लोगों को वो बच्चे चेक करवा देता हूँ जो कि सेल्फ हो चुके हैं और वो मैंने सेपरेट किए हुए हैं, और कुछ मेल है उसके अंदर ब्रीडर, तो वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ, चलें वो चेक करें। ये भी बाकी सारे सेल्फ बच्चे हैं, इसमें से काफ़ी मैंने सेल भी कर दी हैं और कुछ ये अब निकले हुए हैं इसमें, ये देखें ये जो आपको दो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये भी फुल ब्रीडर में रहे हैं, वो जो वो है सबसे पीछे आपको नज़र आ रहा है वो काफ़ी पुराना, मेरे पास तीन या चार साल पुराना मेल है और ये भी फुल ब्रीडर मेल है। उसके अलावा एक वो नीचे आपको ये दो नज़र आ रहे हैं येलो और वाइट, ये दो फुल ब्रीडर मेल हैं, बाकी सारे बच्चे निकले हुए हैं, एक ये रेड आई का निकला सा बच्चा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये रेड आई का बच्चा निकला है। तो बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।
चैनल पे अब दोबारा बैक टू बैक रोज़ वीडियोज़ आए करेंगी और ब्रीडिंग प्रोग्रेस पे भी, और आप लोगों को बताएंगे भी कैसे इसकी ब्रीड लेनी है। आपका ब्रीडिंग सीज़न है एंड ओरेंज का, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कितना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड ले सकते हैं। अब आप अगर बच्चे काउंट करें तो सबसे पहले मटकी में हमें 3 बच्चे मिले थे, उसके बाद 5, 3 और 5 8 के बाद हमें मिले इसके अंदर 4 8 और 4 12, 12 और 1 इसके अंदर हमें मिला 13, 13 के बाद इसके अंदर 5 मिले हमें 18, और लास्ट पर हमें 2 मिले 20। 20 बच्चे तो ये हो गए, बाकी कुछ जो नीचे घूम रहे हैं वो और ये डाल के ये भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस है, कुछ मैंने सेल कर दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नई वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।